सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं कि जहां गलत काम हो या किसी काम में आप गलती देखें तो वहां तनकीद करना बनती है, लेकिन जहां काम दुरुस्त हो, जहां काम बेहतरी की जानिब गामजन हो, जहां समत दुरुस्त हो तो उसकी तारीफ करना भी बनती है। लेकिन हमारी तमाम कहावतें, उनकी तमाम तर साइंस पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड में आकर लगता है कि फेल हो जाती है। यानी हमारे अतवारे सियासत देखिए कि जब आपने बुराई करनी है तो चाहे अच्छा काम भी हो रहा हो तो उसमें कीड़े निकाल दिए जाते हैं, और जहां अच्छाई करना बनती होती है वहां पर भी अच्छाई नहीं की जाती। तो अगर ये आपने तर्ज सियासत देखना है तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखा जा सकता है। ये वो खासियत है या ये वो खसलत है जो पाकिस्तान जैसे तर्ज सियासत के अंदर बदरजा अतम मौजूद है। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर ये शर्फ हासिल हुआ कि पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस मेज़बानी के दौरान सदारत करने का भी शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन मजाल है हमारी अपोजिशन के ऊपर जिसने सिर्फ एक जुमला भी तारीफी कहा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत पॉइंट स्कोरिंग का नाम है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप हर अच्छाई में भी बुराई करने के लिए कमेंट करने का मलका रखते हैं, लेकिन जहां पर अच्छाई हो रही हो वहां पर तो तारीफ बनती है, और अगर बुराई है और तनकीद वाकयातन बनती है तो वहां पर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप हुकूमत के किसी अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो आप पर टैग लग जाता है, आपके ऊपर छाप लगती है कि ये तो हुकूमत के साथियों में से एक है, और एक खास टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का खासा है। और अगर आप अपोजिशन के किसी अच्छे कदम की, किसी अच्छे मूव की, किसी अच्छी सियासत की तारीफ करें तो हुकूमत की जानिब से आपके ऊपर अपोजिशन के हिमायती होने का एक खास इन्वर्टेड कॉमास में टैग लग जाता है। यह इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, हमारे अंदर एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की सलाहियत खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान अगर ग्लोबल लीडर की हैसियत से एनवायरनमेंट के मामले के ऊपर फोरफ्रंट पर आता है तो तारीफ बनती है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो मुखालफीन हो हुकूमत के, उन्हें तारीफ करनी चाहिए। और अगर हमारी अपोजिशन कोई ऐसा कदम कर जाती है जिसकी वाकईतन तारीफ बनती है तो हुकूमत को भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसकी तारीफ करनी चाहिए। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #RisingPK। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, पाकिस्तान के लिए एजाज के लम्हात। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जरताज गुल वजीर साहिबा। आप वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और आप वाहिद इलेक्टेड खातून रुकन कौमी असम्बली भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद इरफान तारिक साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं माहौलियात के, और आप बिलियन ट्री सुनामी के अलावा दीगर मामलों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान हैं। और हमारी चौथी मेहमान होंगी मौमी सलीम साहिबा, आप मारूफ माहिर माहौलियात हैं। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहिबा को प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होस्ट किया है और पाकिस्तान तारीख में पहली मरतबा इतना राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशन आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं जरताज साहब? थैंक यू जमीर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, और सबसे शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि पॉलिटिक्स के बगैर आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिहाज से आप इसके ऊपर शो कर रहे हैं, और हमें हर उस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो कल हम लोगों ने सेलिब्रेशंस की और पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला, इट्स ह्यूज जी। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सदारत भी की है तारीख में पहली मरतबा। एग्जैक्टली, सो ये वो एक्नॉलेजमेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी लीडरशिप में बड़े सीरियस जो स्टेप्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम क्लाइमेट चेंज के थ्रेटन्ड ममालिक में से हैं, हमें सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा है।
तो बहुत खूबसूरत कल बातें हुई। वर्ल्ड जितने भी आइकॉन्स थे, जितने लीडरशिप जिन्होंने ख़िताब किया, और यूएन एंटोनियो गुतेरेस समेत बहुत सारे लीडर ने, अगर आप याद करें कल, तो उन्होंने कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सर, हमें पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए जिस तरीके से वो क्लाइमेट एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं। फॉरसी में ये करती हूँ कि बहुत तबाही मच चुकी थी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमें GDP का लॉस हुआ, हमें इंसानी जानों का लॉस हुआ, हमारी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे जो है वो सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी, उसको थ्रेट है। लेकिन एक टाइम आ गया कि जो UN रेस्टोरेशन का एक डकेट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब से 10 साल में यही टाइम है कि आप अपने एक सिस्टम को रिस्टोर करें, वापस अपने माहौल को बेहतर करें। तो उसका प्लान आउट क्या है, रोड मैप क्या है, कैसे रिस्टोर करेंगे? देखिए, हम लोग आ तो गए हैं उस लाइन में जिस लाइन में पाकिस्तान कभी आने का सोच भी नहीं सकता था। तो एनवायरमेंटल चेंजेस पे पाकिस्तान को सदारत करने का मौका मिला है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो हमारा रोड मैप क्या होगा कि हम कितने दरख्त लगाएंगे, कितने हम लगा चुके हैं, और इस चीज़ को कैसे रूल आउट करेंगे कि इसमें करप्शन ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो करने जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नज़र आए। प्रताप, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी से इज्जत में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इजाफा हुआ Absolutely. है। आप दुनिया की नज़रों में आ गए हैं, दुनिया अब आपको देखेगी कि जो मुल्क लीड ले रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, हम उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसको एवेल्यूएट भी करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर भी हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद भी मिलेगी। जो हमने अपने केस जिया या जो अपने प्रोग्राम हमने शो केस किए, जो आपने 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की, देखिए 1 अरब दरख्त हम लगा चुके हैं, 9 to go, 9 अरब, 9 अरब लगाने हैं, 9 अरब में 1.5 अरब तो एक अरब पूरे हैं, पूरे हैं बिल्कुल। मैं उसका आपको रीजन, मतलब गारंटी है, चैलेंज है कि पूरे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है बिल्कुल। मैं उसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। अच्छा, 1.5 अरब हम लोगों ने मैंग्रोव लगाने हैं, दुनिया में मैंग्रोव ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग बहुत अच्छा मैंग्रोव के ऊपर काम करें अपने मरीन लाइफ को बेहतर करने के लिए। और ये एक सर्वे भी पाकिस्तान ने ब्लू कार्बन के ऊपर अपने इंडिसीज में शामिल किया है कि हमारे जो आम एक जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, जो आपका फॉरेस्ट है वो जितना कार्बन सिंक करता है, जितना पोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है, उसके मुकाबले में ये जो आपके मरीन जो मैंग्रोव है या सी वीड्स हैं, ग्रास है, ये 10 times ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कार्बन की हम एक ब्लू कार्बन के अंदर जो है इस सिंक को हम अपने नेशनल डिटरमिनेंट उसमें जो हमारे इंडिसीज है उसमें हम अपने एजेंडे में शामिल कर लें। 1.5 अरब हम मैंग्रोव लगा रहे हैं, हम मरीन लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, इससे हमारी ब्लू इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। जो आपने कहा कि 1 अरब दरख्त लग गए हैं, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए, हम लोगों ने जब बॉन्ड चैलेंज क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन मार्क बड़े आ जाते हैं ना कि हाँ, लगाने का था, हमने 10 अरब लगाने हैं, 1 लग चुका, लेकिन लग चुका कितना लग चुका और इसकी गारंटी कौन इंश्योर करेगा, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए जमील, जब हम लोगों ने 1 अरब दरख्त लगाए थे ना खैबर पख्तूनख्वा में, 2013 में हमने प्रोग्राम दिया, 2015 से हमने लगाने शुरू किए, हमने तैयारी उसकी, और बॉन्ड चैलेंज ने हमने उसको सरपास किया, हमने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगा लिए। वो थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन जिसको आप समझ लें, मैं कह रही हूँ हमने 1 दरख्त लगा लेंगे, कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर इंटरनेशनल ज्यूरर, अगर इंटरनेशनल फोरम, और जो क्लाइमेट चेंज को जिसके पास मॉनिटरिंग भी है, जिसके पास एवेल्यूएशन भी है, ऑडिटिंग भी है जैसे IUCN है या WWF है, जो या बॉन्ड चैलेंज है, उसमें हम अपना केस जाके देते हैं कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, आपके पास सारा मैकेनिज्म है, आपके पास ऑडिटर हैं, और आपके पास पूरी एक जियो मैपिंग है, ठीक है, और आप आए, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी मेट डिपार्टमेंट हो गया या इस तरह के डिपार्टमेंट हो गए, आप आए आके हमारे कोऑर्डिनेट्स, हमारी साइट्स जो हमने डिक्लेयर किए कि हमने 1 अरब दरख्त लगाए, उसको आप चेक कर लें, इसकी एवेल्यूएशन कर दें। ये पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया कि आपने आपको खुद एवेल्यूएशन के लिए थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ज्यूरिस के सामने पेश करें। हमने किया IUCN के आगे और WWF के आगे, कि आप तो हमने एक तो इंटरनल मैकेनिज़म, फिर सुबों का मैकेनिज्म, फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट का मैकेनिज्म, और मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने भी अपने ऊपर इंटरनेशनल ज्यूरर्स बिठा दिए। सो सबसे बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी की बात यह कि ऑन कैमरा आप हमारे साथ जाएं, जो हमने आपको साइट्स बताई हुई, हम आपको वहाँ पे दरख्त दिखाएंगे, विजुअल पिक्टोरियल हम आपको बिफोर आफ्टर का हम आपको कंपेरिजन तस्वीर के साथ और वहाँ पे खड़े होकर हम आपको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी आप क्लियर करवाइए कि देखें, जहाँ पर ग्रीनरी आ रही है तो उसके साथ
हमारी क्लाइमेट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली, तो हम आपको सेटेलाइट इमेजेस के जरिए हम आपको आपको साबित करके देंगे कि हमने 1 अरब दरख्त लगा लिए, 1.5 अरब हम मैंग्रोव लगाना चाहते हैं, बाकी जो हम दरख्त लगाना चाहते हैं उसकी हमने जमील तैयारी कर ली है, हमने अपनी नर्सरीज डेवलप कर ली हैं, हमने अपने डिपार्टमेंट्स को मोबालाइज कर दिया, हमने मैकेनिज्म बना दिया और 1.27 बिलियन हमने ऑलरेडी बजट के एलोकेशन कर दी है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑलमोस्ट 6% फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वैसे भी सारे ममालिक कोशिश करते हैं कि बाकी ममालिक हमें पैसे दें, हमने कहा कि चूंकि मौसमियाती तब्दीलियों का हमें ख़तरा है, हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते। तो आपने कहा हम फॉरसी कैसे करेंगे, फॉरसी हम ऐसे करेंगे कि अब ये जो 10 साल जो पूरी दुनिया आ गई है, यूएन डेकेड्स आ गया है कि अब आपने अपने मुल्क को और अपने इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना है, उसमें जो है हम फिर दोबारा से बॉन चैलेंज में भी जा रहे हैं कि हमने 1 अरब दरख्त लगा लिए हैं, हम अपना उनको बताएंगे कि हमने कितना कार्बन क्रेडिट मार्केट है, उसमें हमने ग्रीन बॉन्ड्स हम लोगों ने वापडा के साथ भी मिलकर, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने बॉन्ड्स किए कि उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और अपने माहौल को भी बेहतर करें, उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। और रिचार्ज पाकिस्तान जो हमने नेक्स्ट फॉरसी किया है कि जितना पाकिस्तान में बारिश का पानी ज़ाया होता है, जितना सैलाब का ख़तरा हमें होता है हमारी ज़मीन पर आती है, इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे आप लोग के दरख्त लगाए तो जा रहे हैं, दरख्त काटने वालों को भी रोका जाए कि वो दरख्त काटे ना। हाल ही में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मुल्तान में एक शोर उठा बहुत सारा दरख्तों की, एक बड़ी तादाद में कटाई हुई आमों के दरख्तों की, जिसके ऊपर लोगों ने बड़ा वावेला मचाया। तो अगर इसी तरह कटाई भी जारी रहती है, चले लगाना तो बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, जो लोग काट रहे हैं उसको किस तरह आप इंश्योर करेंगे कि ये लोग ना काटें, क्योंकि आपने जाहिर है कि एक 10 साल वीजन लेके तो चलना है। नहीं, ये तो बड़ा ज़रूरी बात है कि हम एक तरफ दरख्त लगाएं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको 10 अरब दरख्त लगाने पे पूरे डिपार्टमेंट को और बजट भी दे दिया फेडरल गवर्नमेंट से और अलर्ट भी कर दिया और सारी आवाम भी साथ हो, मीडिया भी साथ हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको वॉच कर रही हो, और आप दूसरी तरफ कहें कि हम दरख्त काटने पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो गलतफहमी है उनको। हमने तो अब बड़े सख्त जो है उसके ऊपर एक्शन लेने शुरू कर दिए, टिम्बर माफिया के खिलाफ, स्मगलिंग माफिया के खिलाफ और लैंड ग्रैबर के खिलाफ, और स्पेशल जो हुकूमत की ज़मीनों पर कब्जे करते हैं वो हमने डी इनक्रोच करके शहरों में, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये डायरेक्टिव है कि अगर आपको 10 मरले, 5 मरले या प्लॉट भी किसी लैंड ग्रैबर से आप डी इनक्रोच करवाते हैं गवर्नमेंट का, उसके ऊपर फ़ौरन मियाँ बाकी फॉरेस्ट लगाएं ताकि शहरों में फ़ज़ा बेहतर हो जाए और वहाँ पर फॉरेस्टेशन हो। जहाँ तक बाकी बात है, अगर आप मियाँवाली चले जाएँ, अगर आप तौंसा बराज के पे चले जाएँ, हम वहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन वापस रिस्टोर करें और वहाँ पर हमने मैसिव फॉरेस्टेशन जो है वो शुरू कर दी है, दरख्त की छाल उतारने के, शाख उतारने के, काटने के बड़ी सख्त से सख्त अंग्रेज सजाएं मुकर्रर कर गए और वो फॉरेस्ट एक्ट पाकिस्तान में ही चल रहा है, उसी के ऊपर अमल शुरू करना है। इंप्लीमेंट नहीं होता ना? इंप्लीमेंट, मैं आपके बता दी, देखिए इंप्लीमेंटेशन, जैसे आपने अब मुल्तान की बात की, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल नोटिस लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे काटने वाला कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी दायरे से हो, एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली जमील वो हमसे पहले बार, दूसरा वो प्राइवेट किसी लैंड ओनर ने बेची किसी एक सोसाइटी को, इसके बावजूद भी हमने उसके अंदर इंटरवीन किया, सॉल्ट रेंज में हम लोगों ने इंटरवीन किया कि आप इस तरह नहीं काट सकते हैं कि अपनी मर्जी से जाके आप अर्बनाइजेशन शुरू कर दें, अपनी मर्जी से जो आप वो कॉलोनियों के नाम पे, चूंकि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसमें इंटरवीन किया है, हम उसको रोकेंगे, हम मास्टर प्लान देखेंगे, जहाँ पर वो ग्रीन बेल्ट थी, अगर किसी कॉलोनी चाहे वो जितना ताकतवर से ताकतवर हो, उसने अगर ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसको वो वापस करना पड़ेगा, उसको हम रिस्टोर करेंगे और वी विल मेक श्योर कि जो दरख्त अगर हम सोसाइटी में अगर ग्रीन बेल्ट के अलावा भी कहीं निकलेगा, उसको पूरा हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम पूरा दरख्त निकाल के कहीं और लगा लेते हैं, हम किसी दरख्त को ज़ाया नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे बगैर ईंधन के अलावा या लकड़ी जलाने के अलावा कोई और जरिया तरीका नहीं है कि वो अपना खाना बना सके, चूल्हा जला सके, चूल्हा जला के ऊपर हमने बड़ा एक मैसिव प्रोग्राम शुरू किया, वो मैंने खुद किया क्योंकि मुझे खवातीन का सबसे ज़्यादा ख्याल होना चाहिए, वो हमने एनर्जी एफिशिएंट स्टोव शुरू किया है, उसमें हम क्लीन एनर्जी की खातर, खवातीन के हेल्थ को बचाने की खातर, जिन जगहों पर जो जंगलात पर लोग डिपेंडेंट हैं हमने उसको आइडेंटिफाई किया है और हम खातून को वो एनर्जी एफिशिएंट स्टोर देते हैं, उसके हेल्थ बच जाती है, लकड़ियाँ काटने से भी बच जाती है, तेल वाले जो चूल्हे होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, इट्स अ डिफरेंट, उसके बड़े डिफरेंट, उसमें पाइन ट्री का भी अलग से जो नीडल्स गिरते हैं वो भी उसमें आप डाल सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उसके वो सोलर भी है उसके अंदर, और इसके अंदर तखमीना है कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, ऐसे खानदान है जिनका गुजर बसर ऐसे चूल्हों पर होता है जो लकड़ी से जलते हैं, हमने उनको किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? हमने आइडेंटिफाई उसको इस तरीके से किया है कि हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, सुबह के साथ के
हमने देखा है कि किस जगह का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और वहाँ पे सुई गैस की सप्लाई नहीं है, वहाँ बिजली की सप्लाई नहीं है, वहाँ की और तरीके कार नहीं है लकड़ी जलाने के अलावा। तो वो हमें वो जो हाईएस्ट लैंड्स हैं, जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमें आइडेंटिफाइड कर दिए हैं। कुछ नॉर्दर्न एरियाज की साइड है, कुछ सिंध के अंदर है, कुछ पंजाब के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर है। इन्वायरमेंट सिर्फ जो है वो दरख्त लगाने का नाम तो नहीं है, इसमें इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नज़रसानी करनी होगी। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट वाटर शॉर्टेज, अंडर वाटर शॉर्टेज, अंडर अर्थ वाटर शॉर्टेज, उसको कैसे आप लोग उसके ऊपर काबू पाएंगे। इसके अलावा आपका जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां चल रही हैं आप उसको इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ या सोलर एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ किस तरफ कैसे लेके जाएंगे? दोनों ही बहुत खूबसूरत सवाल है और दोनों ही हम बेसिकली हमारा 2030 का एजेंडा यही है। एक तो हमने दुनिया से वादा किया है क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है कोई नहीं, पाकिस्तान के तो कोई इमिशंस नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोल्यूशन और स्मोक नज़र आती है वो भट्टों की वजह से और गाड़ियों की वजह से। भट्टे हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे 100% पंजाब में कन्वर्ट कर दिए। इस्लामाबाद में आपको कोई भट्टा जिगजैग के बगैर नज़र नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टा चला ही नहीं सकते हैं। एक तो ये हमने स्टेप लिया, हमें इसमें पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरा ये जो ई व्हीकल पॉलिसी है कि हम अपनी इमिशंस कम कर सकते हैं, हमने दुनिया को टारगेट दिया कि हम 30% अपनी गाड़ियों को 2030 तक हम कन्वर्ट कर देंगे ई व्हीकल से, ई व्हीकल या इलेक्ट्रिक के ऊपर। और जो कल प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ पे हमारे कन्वेंशन सेंटर में जो पूरा खिताब किया और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया, वहाँ पे हमने रिक्शे की, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, हर चीज़ के हम लोगों ने पाकिस्तान मेड, हमारे यंग डिज़ाइनर्स ने और जो जिसको क्या कहते हैं ब्रेन्स ने, इंजीनियर्स ने वो जो चीज़ें बनाई वो हमने वहाँ पर डिस्प्ले भी की और हमारे पास वैसे भी एक्स्ट्रा बिजली पड़ी है। लेकिन जो आपका इससे भी बड़ा सवाल है वो पानी की कंजर्वेशन है। हमारी नेशनल पॉलिसी वाटर कंजर्वेशन की या वाटर पॉलिसी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ हम बना चुके हैं, अप्रूव हो चुकी है कैबिनेट से। उसके ऊपर पहली दफ़ा एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 10 बड़े डैम और 2 बड़े डैम पे जिस पे सबसे पहले काम हो चुका है वो तो सारी दुनिया को ही पता है। एक ये हम काम करें, दूसरा जो है हम लोग जो मैंने आपको पहले बताया हमने अपना जो नेक्स्ट टारगेट 10 बिलियन की सुनामी के बाद जो आज से हम शुरू करेंगे वो रिचार्ज पाकिस्तान है, हमने अप्रूव कर दिया है। रिचार्ज में हम ये करें कि हम बारिश के पानी को और सैलाबी पानी को वेटलैंड्स की तरफ मोड़ रहे हैं। हम अपनी वाटर टेबल को दोबारा एक्वाफर को बेहतर करें और फिर एक वक्त आएगा कि जैसे बलोचिस्तान में या थर में 1200 फुट से पानी नीचे है, जब हम अपना ये रिचार्ज पाकिस्तान में वेटलैंड से दोबारा पानी को वहाँ पे दोबारा ज़मीन में वापस डालेंगे तो हमें यकीन है, उम्मीद है कि डिप्लीशन ऑफ वाटर जो है जो शॉर्टेज है उस पर कमी आएगी, ये कमी आ जाएगी, लेवल बढ़ जाएगा, 300 फुट पर आ जाएगा, 250 फुट पर आ जाएगा। ये बढ़िया आइडियल सिचुएशन है। ये आइडियाज आपको कौन देता है? मतलब स्टेट मिनिस्टर आप हैं, सारा कुछ आप देख रही हैं, आपके नाम के साथ आपकी मिनिस्ट्री के साथ लगा हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज यानी चेंज ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन वाइस मिनिस्टर है जो परमानेंट है, पक्की है, ये आइडिया कौन देता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये कि जो मेन हमारी जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद चूंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की और एड्रेस करने की बात करते हैं एज ए ग्रीन चैंपियन या वर्ल्ड लीडर के तौर पर, जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं और दुनिया को बताते भी हैं कि अमीर ममालिक जिनकी वजह से इमिशंस हैं या जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो अपने हिस्से के पैसे दें, अपने हिस्से की टेक्नोलॉजी दें, अपने हिस्से की मदद करें हम जैसे ममालिक की जिसका कोई वो नहीं है। एक तो ये कि उनका बहुत ज़्यादा वो खुद एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो खुद इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, 10 बिलियन ट्री सुनामी, रिचार्ज पाकिस्तान प्योरली उनके अपने आइडियाज हैं, उनके अपने आइडियाज हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब खुद काम कर रहे हैं, हम खुद वो क्योंकि वो मिनिस्टर इंचार्ज हैं हम मेरी मिनिस्ट्री के, तो हम सिर्फ को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक बैग्स पे अमीन असलम साहब का कितना रोल है? उनका भी बहुत बड़ा रोल है भाई, टेक्निकली वो बहुत पुराने बंदे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, लेट्स एक्नॉलेज हिम, हमें इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात है कि पोलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, देखिए पोलिटिकल गवर्नमेंट या पोलिटिकल लीडर जो होता है ना वो एक विजन देता है लेकिन एकेडमिया और टेक्निकल लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब हमारी ई व्हीकल पॉलिसी में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एकेडमिया ने, कॉलेज ने और लम्स यूनिवर्सिटी ने हमें वो हमारे साथ बना के दिए। अब जो कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो फरमाया अपने स्पीच में कि हमें क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन के ऊपर नेक्स्ट काम करना चाहिए, साउथ पंजाब की पहले क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर आप उसको चैंपियन करें, क्योंकि पाकिस्तान में नकल मकानी मौसमियाती तब्दीली की वजह से, सख्त मौसम की वजह से शुरू हो चुकी है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे और जो लोग उसके वजह से मुतासर हो रहे हैं, तो ये हम फिर SDPI के साथ और जो इस तरह के UN से रिलेटेड थिंक टैंक्स हैं उनके साथ मिलकर बनाते हैं। तो ये आइडियाज प्लास्टिक बैग्स पर मेरा आइडिया है,
एनर्जी एफिशिएंट स्टोव मेरा आइडिया है, मीना माटा कन्वेंशन। प्लास्टिक बैग की आपने बात की, इस पेपर मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आपका इनिशिएटिव था कि प्लास्टिक बैग्स को खत्म करके अब इसको किसी दूसरे मोड की तरफ हम लेके जाएंगे, लोग कागज के बैग इस्तेमाल करें या किसी तरह से भी कपड़े का बैग होता है उसमें लेके जाएं चीजों को, अभी तक 100% नजर नहीं आता, मतलब लोग अभी भी यूज कर रहे हैं प्लास्टिक शॉपिंग बैग। देखिए मुझे हमेशा फख्र रहेगा कि मैंने एनर्जी एफिशिएंट स्टोव मीना माटा कन्वेंशन यानी रंग गोरा करने वाली क्रीम है जिस तरीके से हमें डैमेज करती है हमारे स्किन को, इसके ऊपर और प्लास्टिक बैग्स के ऊपर मुझे फख्र रहेगा। आपने इनिशिएटिव लिया कि ये मैंने इनिशिएटिव लिया। देखिए जमील, देखिए हमारे मुल्क के लोगों को या दुनिया के लोगों को ये बड़ा आसान है, पॉलीथीन बैग आसान है, एक्सेसिव उसका यूज़ भी है, हमें अवेलेबल है बग़ैर पैसों के, तो उसको कैरी करना बड़ा आसान है। वो क्या करते हैं कि हम हैबिचुअल हैं, अब 20-25 साल से आप जिसकी हैबिचुअल है ना वो फ़ौरन ज़बरदस्ती तो ख़त्म नहीं होगी, ऐसा ही है ठीक है। तो ये अवेयरनेस है और ये इसमें लोगों का आपके साथ ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, लोग बेटर इसके ऊपर हमारे साथ कंप्लाइंस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब मार्केट में हम लोगों ने कॉटन के बैग, जूट के बैग, कपड़ों के बनाए हुए बैग, ग्रीन बैग्स देने शुरू कर दिए हैं, एक और मार्केट डेवलप हो गई है। जो आप कहते हैं ना कि 100%, एक तो ये 100% इसलिए नहीं होगा जब तक सुबह ऑन बोर्ड नहीं होंगे एनवायरमेंट सुबाई मिनिस्टर। मैं इस्लामाबाद की बात नहीं नहीं इस्लामाबाद भी देखिए ना, आखिर आप बॉर्डर तो नहीं बंद कर सकते ना, पिंडी से पेशावर से हर जगह आएगा, ठीक है, मूवमेंट तो है। देखिए ना सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्वायरमेंट आपका, फॉरेस्ट आपका, एग्रीकल्चर आपका, टूरिज्म आपका, ये सब के सब आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स उसके अपने मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से बैठ के आपको डायरेक्शंस दे सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चैंपियन कर सकते हैं ग्रीन एजेंडा को, चाहे वो टेनबिलिटी सुनामी हो, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान हो, ई व्हीकल पॉलिसी हो, प्लास्टिक बैग्स बैन हो, रीचार्ज पाकिस्तान हो, नेशनल पार्क हो। सुबह के बगैर हम इसलिए आगे नहीं चल सकते कि जमील 10 अरब दरख्त हमने इस्लामाबाद नहीं लगाने हैं, पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम क्योंकि कम है इस सेगमेंट में तो पूछना जरूरी है, व्हाट अबाउट डेजर्ट्स, सहरा है हमारे पास, इतनी बड़ी लैंड है, उस सहरा के जो हालात हैं वो तो हम सबको पता होता है, पानी वहाँ वैसे नहीं मिलता और वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा दरख्त नहीं होते, तो उसको भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है दरख्त लगाने के हवाले से। जमील कल जो मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा कि क्योंकि मैंने स्टडी साथ किया हुआ है कुछ थिंक टैंक्स के साथ कि क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन हो रही है, उसमें सबसे बड़ी जो केस स्टडी वो मुजफ्फरगढ़ की भी है, कुचोलिस्तान की भी है, कि लोग जो है जहाँ पे हमारे सहराई लोग हैं वो जो है बेघर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ बिल्कुल पानी ख़त्म है, वेजिटेशन ख़त्म है, टिब्बे सूख रहे हैं, वो माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े शहर तो ऑलरेडी बोझ नहीं उठा सकते, उसके तो मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, अर्बन स्प्रॉल बहुत ज़्यादा है। तो एक जो हम क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन की पॉलिसी इंशाल्लाह लेकर आएंगे, ये भी हमारी मिनिस्ट्री पहली दफ़ा लेकर आएगी, कल मैंने पीएम साहब को ये बताया है स्पीच में, तो इसमें हम इस पे जो जिसको क्या किस जिसको कहते हैं ब्राउन, यानी कि आप डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, डेजर्ट्स के ऊपर ये इसका सबसे मेन पार्ट होगा, माइग्रेशन सेकंड पार्ट होगा। जी जी, तो ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा आज की इस एक्सक्लूसिव वन ऑन वन नशस्त में पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थी और यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के हिस्से में जो एज़ाज़ आया उसके ऊपर कॉमेंट करना भी बनता था, साथ साथ अप्रिसिएशन के अलावा ये जानना भी बनता था कि करप्शन फ्री बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट किस तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है, और अगर दावा यह है कि 1 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं तो उसमें कितनी सदाकत है, तो ये सब कुछ पूछना बनता था। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ दीगर गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद होंगे, उनसे हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक, मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदेद कहता हूं। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं और हमें डीजी माहौलियात जनाब इरफान तारिक साहब ने भी ज्वाइन किया है और मोमी सलीम साहिबा आप मारूफ माहिर माहौलियात हैं, स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी साहब आपसे सवाल है मेरा, ये फरमाइएगा कि माजी की हुकूमतों ने ऐसा क्या नहीं किया जो खान साहब ने कर दिया और पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फारूकी साहब थैंक यू वेरी मच मुझे ये मौका देने के लिए, और मैं सबसे पहले इट्स एन ऑनर टू बी इन अ सेशन विद डॉक्टर अताउर रहमान साहब हु इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ 2021 का UN वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की मेजबानी हासिल करने के लिए। आपका जो पर्टिकुलर सवाल है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, ताल्लुक है
जो इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था, इस बार यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसका थीम रखा था इकोलॉजिकल सिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। जी आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, राइट फ्रॉम डीप सी टू द हाईएस्ट माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स। और जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं, 10 बिलियन ट्री सुनामी रिचार्ज प्रोग्राम और इसके अलावा मैनग्रूव्स के सिलसिले में, उस सब को देखते हुए ये पाकिस्तान को एजाज बख्शा गया कि जो हमारी प्रोग्रेस थी टू रिस्टोर इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, उसको देखते हुए हमें ये शर्फ हासिल हुआ। और वी आर वेरी प्राउड जी, ये पाकिस्तान ने इसको बहुत कामयाबी से और बहुत अच्छे तरीके से अपना एजेंडा पूरी दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर प्राइम मिनिस्टर की अपनी पर्सनैलिटी। अब इस वक्त दुनिया में एम्बेसडर फॉर नेचर के तौर पे पहचाने जा रहे हैं और उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है जो उनकी खिदमात माहौल के सिलसिले में है। तो पाकिस्तान को जो एजाज हासिल हुआ वो इस पर्टिकुलर, इन दो पर्टिकुलर वजूहात की वजह से। राइट, इरफान साहब साथ रहिएगा, मैं इसके ऊपर अब डॉक्टर अताउर रहमान साहब का इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो एजाज हासिल हो गया, एक पर्सनैलिटी कैरिज्मा है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ग्लोबल लीडर खान साहब बन चुके हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहला पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ऐसे इवेंट की सदारत कर चुका है, तो ये नो डाउट इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। लेकिन साथ साथ सवाल ये है कि वाटर क्राइसिस जैसे बड़े चैलेंज को निमटने के लिए पाकिस्तान जो इकदाम उठा रहा है, आपको लगता है कि वो दुरुस्त डायरेक्शन में, हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हाँ, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में शुमार होता है, और जो प्रिडिक्ट किया गया है कि 15-20 साल में यहाँ पे हालात जो हैं और बहुत परेशान कन हो जाएंगे। तो इस वजह से जो मुख्तलिफ हमने इकदाम किए हैं और कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दरख्त लगाना ताकि मौसमी तब्दीलियाँ आ सकें, जिसके अंदर डैम्स कायम करना ताकि आपका जो पानी है वो कंजर्व हो सके, और इस तरह के दूसरे जो इकदाम हैं ये बहुत अहम हैं, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना है हमें। जो आपके जो एनवायरमेंटल मसाइल हैं, आप जो पानी आपके पास आता है घरों में वो पीने के काबिल नहीं है, जो आपके पास इस सनतें हैं वो अपना जो एफ्लुएंट्स हैं वो उसका डिस्चार्ज जो है वो समंदरों में जा रहा है, जिसके वजह से मैनग्रोव्स जो हैं वो आपके तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ एविसिना मरीना एक पौधा है जो ज़्यादातर डोमिनेट कर रहा है, बाकी मैनग्रोव जो आपकी दुनिया के बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट में से पाकिस्तान में एक था वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरह जो आपके टैनरीज हैं उनसे डिस्चार्ज क्रोमियम का हो रहा है, जिसकी वजह से तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें जिनको हमें हैंडल करना है। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत को मैं मुबारकबाद दूंगा कि बहुत सीरियसली इन्होंने और बहुत अच्छे कदम शुरू किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ख़ासतौर पर जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सब मिल के इंशाल्लाह उनका साथ देना चाहिए। राइट, डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। मोमी साहब, आप तशरीफ लाएं स्टूडियोज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि एक तो जाहिर है कि इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान, हमें तो हम सारा अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ गलतियाँ कोताही हैं उसको तो हमने यकीनन इंडिकेट करना है, और जहाँ जहाँ तारीफ़ करने की बनती है वहाँ तारीफ़ करना चाहिए। किन एरियाज़ में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब जिम्मेदारी ज़्यादा है हमारे ऊपर? बिल्कुल, पहले तो प्रोग्राम मधु करने के लिए शुक्रिया, और सलाम बाकी मेहमानों को भी। दरअसल में जो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान जो है वो एनवायरनमेंट फ्रंट पे काम कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस ये है पास्ट हुकूमतों से कि पहले ये पॉलिसी लेवल तक था, अब ये एक्शन की हद तक आ गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जैसे सर ने कहा कि हमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बहुत लगाने की ज़रूरत है। अभी हमारा मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी के ओनली 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर मैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात करूँ तो हमारा डिफॉरेस्ट्रेशन रेट उतना ही ज़्यादा है जितना हमारा प्लांटेशन का इस दफ़ा ये 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत है। तो मेरे लिहाज से हमें और फॉरेस्ट की तरफ भी जाना चाहिए है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है हमारा फॉरेस्ट, काटे जा रहे हैं, जी आग लग रही है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज में जो है हमें ग्रीन कवर को जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जो जिसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और आई थिंक ये 10 बिलियन ट्री सुनामी के अंदर हम कर सकते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में आपने ग्रीन बेल्ट्स का एक है, इसी तरह का अगर ग्रीन बेल्ट्स जो हैं बाकी जगह भी इंट्रोड्यूस कराई जाएँ सिटीज़ में, तो आई
थिंक कि हमारा वो जो हीट आइलैंड इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाएगा और हमारी टेम्परेचर्स में भी right. तो माहौलियाती तब्दीली के अंदर माहौलियाती आलूदगी भी एक बड़ा एक फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज कतई तौर पर नहीं कर सकते. एक तरफ हम बात करते हैं कि हम दरख्त लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दरख्त कट भी रहे हैं, और तीसरा हम कहते हैं कि जी हमने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है, और हमारे यहाँ फिर गाड़ियों की कीमतें भी कम करने की बात हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की इंटे लोग लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन उधर भी सोचना है कि माहौलियाती आलूदगी बढ़ेगी, उससे कार्बन जितना जाएगा एनवायरनमेंट में उतना ज़्यादा नुकसानदेह, तो उसको कैसे काउंटर करेगी हमारी गवर्नमेंट, ये आपको कैसे लगता है? बिल्कुल, देखिए ई व्हीकल पॉलिसी एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है जो हम शिफ्ट कर रहे हैं अपनी फॉसिल बेस्ड उससे, जैसे से पता है हम ई व्हीकल पॉलिसी की तरफ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, लेकिन उसमें हमें सिर्फ ई व्हीकल पर शिफ्ट नहीं होना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट होना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी भी शहर में हमारे पास एक होलिस्टिक ट्रांसपोर्ट का कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है. जैसे आपने कहा कि जितनी गाड़ियाँ आएंगी जैसे से पता उतना धुआं होगा, पाकिस्तान में 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हैं वो हमारी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से हैं, तो हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरी दुनिया में जितनी डेवलप्ड वर्ल्ड है हमें पता है कि उनके पास अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से जो है उनके उधर उस तरह से आलूदगी नहीं है जैसे हमारे इधर है. ये नहीं कि वो लोग आलूदगी है, उनकी कार्बन एमिशन नहीं होती, उनकी हमसे ज़्यादा कार्बन एमिशन है, लेकिन उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम लोग उसको डिस्पर्स नहीं करते हैं, हम उसको उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिसकी तरफ हमें देना चाहिए. एब्सोल्युटली. इरफान साहब, आप फरमाइए कि जिस तरह मौमी साहिबा फरमा रही थी कि बहुत ज़्यादा गाड़ियां अगर हमारे पास आ जाती हैं, और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि गाड़ियों की कीमतें मज़ीद कम की जा रही हैं, तो अगर कम होती हैं तो गाड़ियों की इनटेक ज़्यादा बढ़ने से तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगी, उस फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे किसी तौर बतौर गवर्नमेंट? आप तो ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेट हैं, ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं. तो इस पे मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा. एक तो डॉक्टर अता रहमान साहब ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात की और उन्होंने ये फरमाया कि इस वक्त डायरेक्शन ठीक हो गई. आपका सवाल था कि क्या सब मसाइल उस तरह से हो जाएंगे. मेरा ख्याल है कि मसाइल तो हल होंगे ज़रूर इंशाल्लाह, पर जब वो डायरेक्शन ठीक हो जाए. तो इस वक्त हमारी डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव है, और अगर हम इस डायरेक्शन में चलते रहे तो मुझे बहुत यकीन है कि हम बहुत मसाइल को हल कर लेंगे. जो दूसरा सवाल आपका ट्रांसपोर्ट से मुतालिक है, देखें अभी मौमी सलीम साहिबा ने आपको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अप्रूव कर दी, और ये जो अभी हमने कल सेलिब्रेशन का एहतमाम किया था उसमें हमने मेड इन पाकिस्तान रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर और जो इलेक्ट्रिक कार इस वक्त पाकिस्तान में बनने के लिए जा रही है इस साल इंशाल्लाह, उन सब का भी वहां पे एग्जीबिशन किया. एक इसका हल तो ये है. दूसरी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो रही, देखें इस वक्त जो पाकिस्तान का फ्यूल है वो यूरो 5 स्टैंडर्ड का हमने शुरू किया है, इस हुकूमत ने शुरू किया है. यूरो 5 से पहले ये यूरो 2 था, और हम एक अपनी तमाम गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल दोनों में वो ईंधन इस्तेमाल कर रहे थे जिससे बहुत ज्यादा इमिशंस थी, और इन इमिशंस की वजह से हमारी फिजा में बहुत आलूदगी थी. अब पिछले दो महीने से इस चीज पे फुल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है, और डीजल और पेट्रोल एकदम से यूरो 2 से यूरो 5 पे चले जाना ये एक बहुत बड़ा फैसला था. इसी तरह से हमने सिर्फ ये पॉलिसीज और उसको हुकूमत ने नहीं सिर्फ अप्रूव करने की हद तक नहीं है, इसमें टारगेट्स फिक्स किए गए. हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक हमारा जितना ट्रांसपोर्ट फ्लीट है पाकिस्तान में उसको हम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लेके जाएंगे. इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी एनर्जी जनरेशन है उसको हम 2030 तक 60%, ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में कल फरमाया कि उसको हम 2030 तक 60% रिन्यूएबल्स पे लेके जाएंगे. ये बहुत बड़े इकदाम हैं खास तौर पे फिजाई आलूदगी के लिए. पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका प्राइम मिनिस्टर ने कल जिक्र किया, वो क्या? और वो पंजाब गवर्नमेंट ने फुली इंप्लीमेंट की है, जो भट्टों से आलूदगी हो रही थी उसको 100% भट्टे पंजाब में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे कर दिए गए हैं जो कि फ्यूल एफिशिएंट है. अब भट्टा ओनर्स को
कम ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता है और उनकी ईंट ज्यादा बेहतर है और उससे आलूगी कम होती है। ये इकदाम हो रहे हैं, हम सबको इस पे इकट्ठे साथ चलना चाहिए, हम सब की ये जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली राइट, तमाम गेस्ट पैनल साथ मौजूद है। फौतिन उजाद ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब से सवाल करना है कि जो हमारे डेजर्ट्स हैं उसको किस तरह ग्रीन किया जा सकता है, क्या उनको ग्रीन करना बेहतर है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, वो कितना बेहतर होगा, या उनको ब्राउन ही रहने देना चाहिए क्योंकि बीमारियाँ भी हो सकती हैं और हशरातुल अर्ज हैं जो नुकसान दे सकते हैं, उस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदेद। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के लिए सवाल छोड़ के गया था मैं ब्रेक से पहले। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे डेजर्ट्स हैं यहाँ पर, एक तो इसको क्या ग्रीन करना बेहतर है हमारे लिए और वहाँ पर प्लांटेशन करना बेहतर रहेगा, या वहाँ पर माहौलियात को के बदलाव से बचने के लिए उसको ब्राउन रहने देना ही बेहतर है, तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड में? सर, एक तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये डेजर्ट्स एक्सपैंड ना हो। डेजर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, और अगर पानी सही तरीके से ना मौजूद हो तो फिर ये सहरा जो है ये फैलते जाते हैं और बाकी इलाके सुकड़ते जाते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको रोकना पड़ेगा हमें। दूसरा जो आपने सवाल किया कि इनको किस तरह इस्तेमाल करें हम इन सहराओं को, इन डेजर्ट्स को, तो बात यह कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सेलाइन सॉइल्स में या डेजर्ट सॉइल्स में ग्रो करते हैं। उनमें से एक किस्म हेलोफाइट्स की है जो कि बहुत कम पानी उनकी ज़रूरत नहीं होती, खाली उसकी कैक्टस प्लांट्स होते हैं ना, कैक्टस प्लांट्स। जी हाँ जी जी बिल्कुल, कैक्टस सबकी जगह पे होते हैं लेकिन हेलोफाइट्स एक हेलोफाइट्स अलग फैमिली है जिसके तहत बहुत सारे पौधे हैं और वो जो है फिर जानवरों के लिए फॉडर के तौर पे, उनके जानवरों के पत्ते वगैरह मिला के फॉडर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, उनके दूसरे भी यूजेस हैं, तो उस तरफ जाना चाहिए। तो यकीनन हमें डेजर्ट्स को ग्रीनरी की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये समझते हुए कि डेजर्ट माहौल में कौन सी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं, कैक्टसेस की वैरायटी हैं और हेलोफाइट्स की वैरायटी हैं और दूसरे भी पौधे हैं, तो उस तरफ हमें यकीनन जाना चाहिए ताकि वो डेजर्ट्स जो हैं वहाँ उसको भी आप इस्तेमाल कर सकें। साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि जो बहुत बड़ी पोल्यूटिंग जो बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया, वो तवानाई जो है, हम जो है इस वक्त ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई कर रहे हैं, तो जो तीन बड़े सोर्सेज हैं हमारे लिए जो कि जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, एक तो सोलर का आपने जिक्र कर ही दिया जो कि एक्सपैंड हो रहा है लेकिन उसको और तेज़ी से करना चाहिए, दूसरा जो है बहुत बड़ा सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कि क्लीन एनर्जी है और बहुत कम कीमत पे, तो उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, और तीसरा, जब मैं मिनिस्टर फॉर साइंस था तो मैंने पूरे मुल्क की विंड मैपिंग कराई थी कि हवा की रफ्तार किस सतह पर कितनी है, और पता चला था कि कटिबंदर घाड़ो हैदराबाद और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बहुत तेज़ हवा चलती है और यहाँ पर कोई 50,000 मेगावाट बिजली बनाने की काबिलियत है, तो विंड मिल्स की हमें खुद प्रोडक्शन करनी चाहिए, खुद मैन्युफैक्चर करने चाहिए और विंड मिल्स लगाने चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको जो तवानाई है वो साफ सुथरी हासिल होगी और इससे आप काफ़ी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो गर्माई हो रही है, एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है इस वक्त बढ़ चुका है अरेबियन सी में, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर जोर देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने कर दी कि हमें किस अंदाज से हमारे एनर्जी के मोड्स क्या क्या होने चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन साथ साथ हमें ये भी तो देखना है ना कि हमें अपना वाटर किस तरह से स्टोर करना है, वो उसके लिए डैम्स तो हैं, डैम्स बनाने के ऊपर प्लानिंग भी अपनी जगह पर बेहतर है, गो कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स की उतनी प्रोफिशिएंट नहीं थी परफॉर्मेंस, लेकिन अब सोच है उस तरफ। ऑलरेडी जो हमारे पास लैंड है उसमें पानी की शॉर्टेज को, शॉर्टफॉल को आने वाले दिनों में कम करने के लिए क्या करना होगा हमें? एक तो आपको बहुत सारे छोटे डैम्स बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत दो तीन चार साल के अरसे में बन जाते हैं, और जो दरियाओं के करीब छोटे छोटे डैम, बड़े डैम्स की अपनी अहमियत है लेकिन छोटे डैम्स, और ज़्यादा दूर नहीं देखें, हिंदुस्तान में देखें कि हज़ारों छोटे छोटे डैम्स बना दिए। दूसरे, वाटर कंजर्वेशन पे आपको
जोर देना पड़ेगा जिन बिल्डिंगों में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं, वाटर स्टोरेज सिस्टम्स और कंजर्वेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं, वहां पे आपको स्पेशल टैक्स छूट दीजिए ताकि जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके अंदर इसका ख्याल रखा जाए कि पानी की वेस्टेज जो है वो ना हो। इसी के तहत आप अगर इस्लामाबाद में कॉम्स्टेक की बिल्डिंग में जाएं, ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है जो ओआईसी मिनिस्ट्रियल कमेटी वो मैंने ही बनाई थी आईडीबी ग्रांट से। तो आप छत पे जाएंगे तो वहाँ एक आपको बहुत खूबसूरत बाग मिलेगा छत पर, तो जो रूफ्स है वो ज़ाया हो जाती है, वहाँ पे आप बड़ी अच्छी ग्रीनरी बना सकते हैं, वहाँ वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं इनकी तरफ हमें जोर देना पड़ेगा ताकि जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सारी सीमेंट के जंगल ना बना दें बल्कि हम ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं जिसमें खास तौर पे हम पानी के कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन का ख्याल रखें। राइट डॉक्टर साहब, एक क्विक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा, ये वाटर लेवल जो कम हो रहा है इसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है? सतह जमीन के नीचे जो पानी है, पीने का पानी हो गया, साफ पानी हो गया, उसकी सतह कम हो रही है तो उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है, किसी तरह एनहांस हो, कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है दुनिया में? बात यह है कि आपके पास क्योंकि आप ओवर यूटिलाइजेशन पानी है तो जो सरफेस वाटर है वो घटता गया है, खासतौर पे अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो बहुत से इलाकों में तो 1,200-1,400 फुट नीचे तक चला गया है क्योंकि पानी नहीं है तो वो नीचे से पानी खींच के निकाल रहे हैं। और इसका कोई और इलाज नहीं है सिवाय इसके कि जो आप डैम्स बनाएं, पानी को सही तरह से कंजर्व करें और जो यूटिलाइजेशन है ताकि आपको सिर्फ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी ओवर यूटिलाइजेशन ना हो बल्कि आप दूसरे तरीके से पानी इस्तेमाल करें, और वो किया जा सकता है, इसके मेथडोलॉजीज मौजूद हैं जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए करने के लिए। एब्सोल्युटली राइट मौमी सलीम साहिबा, क्यों ग्रीन नहीं करना चाहिए हमें डेजर्ट्स को? डॉक्टर साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बात बता दी, क्योंकि हर जी प्लीज हर इकोसिस्टम की एक अपनी खासियत है, आप उसको बैलेंस रखना ज़रूरी है, उसके साथ चिरिंद परिंद होते हैं, उसका पूरा एक इकोसिस्टम होता है, तो यू कांट ओवरनाइट चेंज समथिंग। हाँ, जहाँ पे हैं उसको प्रोटेक्ट करें रादर देन। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे डिसर्टिफिकेशन की, वो ये कि जो ग्रीनर एरियाज पहले से हैं, जैसे हमारे साथ बलूचिस्तान में ये हुआ कि हमने बहुत अरसे से, बल्कि कैसे बंगाली साहब ने एक किताब भी लिखी थी इस चीज़ के ऊपर कि बलूचिस्तान को आप सिर्फ पानी और दरख्त देते हैं, और जब आप अंडरग्राउंड वाटर की भी बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक नेचुरल टेक्नोलॉजी जो मौजूद है दरख्त, जिससे आपका अंडर, क्योंकि ये एक साल हर साल एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये सिर्फ ओवरनाइट आपका अंडरग्राउंड वाटर नहीं बन जाता लॉन्ग टर्म। तो ये जो इस वक्त 10 बिलियन ट्री सुनामी है, हम सिर्फ इसको ट्रीज के तौर पर मत देखें, हमें ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि ट्रीज का एक पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं जो ये पूरी करते हैं, जिसमें ऑफकोर्स आपका अंडरग्राउंड वाटर की भी रेस्टोरेशन की बात है, फिर आपकी रेन इस वजह से रेगुलेट होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जहाँ तक आपकी डेजर्ट की बात है, तो मेरे लिहाज से डेजर्ट्स को एज इट इज़ जैसे वो हैं, उनके जैसे सर ने बताया जो लोकल स्पीशीज़ हैं आप वहाँ पे प्लांट्स की लगाएं ताकि आपकी जो लोकल वाइल्ड लाइफ है वो भी जो है वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसको वो भी थ्राइव करे। और जब भी हम ये 10 साल जो अभी शुरू हुए हैं और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान से ये शुरू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की ये आई थिंक एफर्ट्स की रिकग्निशन है, क्योंकि हमने जो अभी एफर्ट्स अपनी की हैं वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं। जब हम ट्रीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ अगेन दरख्त लगाने की बात नहीं कर रहे, तो उसमें हैबिटेट बहुत श्रिंक हो रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ का, तो हमें ज़रूरत है कि हम जैसी सिस्टम है उनको वैसे मेंटेन करें, और अपने जो शहरी इलाके हैं या अपनी आबादी है उसको कंटेन करें, ना कि ये बल्कि एक वर्टिकल ग्रोथ की भी बात की थी वजीर आजम साहब ने, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमारा सेस्मिक रीजन का इशू है, लेकिन उसको भी हम मैनेज किसी तरह कर सकते हैं उसकी हाइट डिटरमिन करके, लेकिन हम क्योंकि खुद इतना ज़्यादा स्प्रॉल होता जा रहा है ह्यूमन आबादी का, जिसकी वजह से जो है हमारी हैबिटेट भी ख़त्म हो रही है, हमारे ऐसे बहुत से इकोसिस्टम्स ख़त्म हो रहे हैं, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इन लॉन्ग रन जैसे हम पेंडेमिक को तो देख रहे थे कि उसकी वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, इसी तरह अगली बड़ी थ्रेट हमारी जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन इंडिकेटर्स हैं अगर वो लो हो गए, और उसके साथ साथ हमारे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ऑल्दो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि लोकल क्लाइमेट की भी केयर करें, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, और ग्लोबली भी उसमें कंट्रीब्यूट करें जो मिटिगेशन है क्लाइमेट चेंज की। ये टेक्नोलॉजी की जो इन्हांसमेंट है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आ रही है, दीगर चीज़ें आ रही हैं, इन्वायरमेंट पे इनका भी इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? देखें पॉजिटिव तो है हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, जीएसएम फ़ोन्स,
इसकी वेव्स होती हैं, मेरे सुनने में आया एक लेमैन की हैसियत से मैं अगर कहूँ, देखिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे से, लेकिन मैं उसके लिए अलग प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने तो पूरी टेक्नोलॉजी खोल के रख देनी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो भी कोई आप एक्सकेवेशन या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोल भी जमीन से निकालते हैं या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो जिस तरह ये है मोबाइल की बहुत सी चीजें जो हमारी निकलती हैं इस तरह से, तो आई थिंक उस लिहाज से तो आप लैंड को या उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, बाकी जो उसके क्या असरात हैं उस पर मेरा अलग शो रख लेंगे। मैं एक आखिरी सवाल जनाब इरफान तारिक साहब की तरफ छोड़ता हूं, उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। इरफान तारिक साहब सिर्फ ये बता दीजिएगा, अगर लोग गिनना शुरू कर दें कि 1 अरब पौधे लगे हैं नहीं लगे, तो वो गिन सकते हैं कि भाई हाँ पूरे लग रहे हैं? जी बिल्कुल गिन सकते हैं। इसको देखें कि क्योंकि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमने इसको एक थर्ड पार्टी से वैलिडेट करवाया है, और प्राइम मिनिस्टर को जब वो मखनियाल में उन्होंने बिलियन ट्री लगाया उसकी रिपोर्ट पेश की गई, और उनको बताया गया कि जितनी इनका सर्वाइवल रेट है वो 90% है, तो यकीनन गिन सकते हैं। वो रिपोर्ट पब्लिक है, उसका पूरा ऑडिट हुआ है, और वो किसी के सामने पेश की जा सकती है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ आपको एक चीज और हाईलाइट करना चाहता था, प्लीज, और वो डॉक्टर साहब ने बात की जी। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ हमें ये भी एक शर्फ हासिल हुआ कि हमने इकोसिस्टम डिकेड उसका भी लॉन्च किया है। ये 10 साल का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन डिकेड मनाया जाएगा, जिसमें आपने अभी जिस तरह रेगिस्तान के मुतालिक सवाल किया, इन सब इश्यूज पे हल किया करने की कोशिश की जाएगी। और इससे भी बड़ा जो एक ऐलान था जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज ने वहां पे सबको बताया, पाकिस्तान ने कमिटमेंट ली है अंडर बॉर्न चैलेंज, इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज, कि वो 2023 तक 1 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेगा। ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, और ये हम अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं, और ये हम अपने और दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं। हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक आखिरी सवाल जो मोमी साहिबा उसका जवाब आधा छोड़ के चली गई, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर क्विक कमेंट हो जाए, क्योंकि इसको डिबेट डिटेल में होनी चाहिए। ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी और दीगर चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? पर्सनल हेल्थ तो अपनी जगह पर मुतासर जो होती होगी होती होगी, एनवायरनमेंट के ऊपर सर? नहीं है, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मिसयूज ऑफ वाटर है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, इस वक्त हम पानी जितना इस्तेमाल करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसी यही बात फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की है। आज का जमाना एडवांस्ड एग्रीकल्चर का है, सेंसर टेक्नोलॉजी का है, आप हर पौधे की जो जरूरियात है आप नाप सकते हैं मॉडर्न सेंसर टेक्नोलॉजी से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए और सेंसर्स के जरिए, और उसके हिसाब से तो इससे आपकी 90% 95% बचत हो सकती है, 90-95% पानी की, फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड वगैरह की। तो इस तरफ हमें तेजी से बढ़ना है, मॉडर्न एडवांस्ड एग्रीकल्चर की तरफ। एब्सोल्युटली राइट जनाब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब सर, आपने एक्सक्लूसिवली वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इरफान तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमी सलीम साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ लाएं और अर्जेंट शॉर्ट नोटिस पर आप तशरीफ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन रहा है, और इस पर जहाँ कमियाँ कोताहियाँ हों वहाँ आप तनकीद करें, हम भी आपके साथ बैठे हैं और तनकीद करना जायज़ बनता है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान बेहतर तरफ जा रहा है, समत का तायुन बेहतर किया गया है, उस पर तारीफ भी बनती है, अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रोग्राम से जमील फारूकी को जा दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।